Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all people will be fine. In previous lecture, we have studied about damped oscillations. Today, we will discuss about waves. Number two, types of the waves के अंदर हम पढ़ेंगे mechanical waves, electromagnetic waves. इस unit के start में मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट के दो हिस्से हैं. हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. हमने ये वाला पोर्शन जो है वो स्टडी कर ली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया हुआ है. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ी थी, ऐसी मोशन होती थी जिसमें नेट फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजिशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है. और फिर उसके लिए हमने चार फीचर्स भी पढ़ी थी या कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी जो उसको फुलफिल करता था, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे देते थे. उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं वेव्स. व्हाट इज वेव्स? वेव्स क्या है, इसकी हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको स्टडी करने की जरूरत क्यों हमें पेश आई? तो इसका जवाब यह है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेव्स के साथ बहुत सारा वास्ता पड़ता है. मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक वाटर टैप है, इसके अंदर हमने पानी भर दिया और एक पेंसिल ली. इस पेंसिल को हमने क्या किया, इसके अंदर डिप किया, तो हमें यहाँ पर एक लहरें बनती हुई नजर आएंगी जिसको हम वेव्स का नाम भी दे सकते हैं. इसी तरह जो है वेव्स जो होती है बेसिकली इनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि ये डैम्स जो होते हैं वहाँ पर सम टाइम हम जो है वो बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग वेव्स. वेव्स की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें. इसी तरह और भी इसकी बहुत सारी जिंदगी में हमारी रोजमर्रा लाइफ में इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. तो आइए हम सीखते हैं कि वेव होती क्या है. तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हमारे पास एक वाटर टैप है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है. जैसे ही मैंने ये पेंसिल पकड़ के इस वाटर के अंदर मैंने इसको डिप किया वर्टिकली इस पेंसिल को अप एंड डाउन, तो इसके अंदर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी. अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉर्क रख दिया. यहाँ पे हम एक कॉर्क रख देते हैं. ये कॉर्क जो है जैसे वेव्स जो है वो ट्रेवल करेंगी इस कॉर्क तक पहुंचेंगी, तो ये कॉर्क जो है वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर स्टे करेगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, लेकिन मोशन करेगा अप एंड डाउन. अपनी ही पोजीशन के ऊपर ये रहेगा लेकिन अप एंड डाउन मोशन जो है वो बरकरार रखेगा और वेव्स जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करती हुई चले जाएंगी. इसी तरह हम और भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. आप एक रूप लें, उसको किसी फिक्स स्पॉट के साथ फिक्स कर दें और एक एंड को आप क्या करें अपने हाथ में पकड़ लें. हाथ में पकड़ के उसको फ्लैपिंग करें या उसको अच्छी तरह से खड़खड़ाएं, तो आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर भी आपको लहर बनती हुई नजर आएगी. साथ के तौर पर मैंने क्या किया, ये इस रूप को पकड़ के इस स्पॉट के साथ बांध दिया. एक हाथ से मैंने इस डोरी को या रूप को जो मैंने यूं जर्क दिया है या फ्लैपिंग की, तो यूं इसके अंदर जो है वो लहरें जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी. मींस इसके अंदर जो है वो आपको वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी. तो यहाँ पर वेव जो है वो होती क्या है, एक्चुअली वेव जो है कि हमारे पास किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है. बेसिकली अगर हम कहें तो वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है. साथ के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये वाटर टैप है, इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, वाटर लिया हुआ है, तो वाटर को मैंने क्या किया डिस्टर्ब किया इस पेंसिल के साथ. वाटर इज अ मीडियम, इसका मतलब क्या है, वाटर जो है ये मीडियम है. मीडियम के अंदर मैंने किसी किस्म की जब यहाँ पे मुदाखलत की तो इसके अंदर वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी. इसी तरह यहाँ पे मेरे पास थी रूप, रूप के अंदर मैंने डिस्टर्बेंस पैदा की तो इसके अंदर भी मुझे क्या मिली, वेव्स मिली. तो इसी तरह हमारे पास इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिसमें जो है वो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं.
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। वेव होती क्या है? ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम इन अ मीडियम इन अ मीडियम विच causes which causes to undergoes which causes the particle of the which causes the particles of the medium to undergo a vibratory motion about its mean position in equal intervals of time तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन वेव्स की। वेव जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देते हैं, और ये वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये इनकी मीन पोजीशन के आगे पीछे होती है या अप एंड डाउन हो सकती है। जिस तरह हमने वाइब्रेटरी मोशन का कंसेप्ट मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रॉम मूव करता है तो उसकी मोशन को हमने वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का नाम दिया था। सिमिलरली अगर कोई बॉडी जो है, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ ये कोई स्प्रिंग है, किसी स्पोर्ट के साथ लटका दी है मैंने, हमें जैसे ही इसके साथ मैस अटैच किया है, इसको मैंने यूं पकड़ के डिस्प्लेस की करके छोड़ दिया, तो अब ये क्या करेगा, अपनी नी पोजीशन के अप एंड डाउन जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की मोशन जो होगी वो भी क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाएगी इसकी। तो यहाँ पे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया कि जैसे वेव ट्रेवल करती हुई इस कॉर्प के पास आती है तो ये कॉर्प जो होता है ये अपनी नी पोजीशन के अप एंड डाउन जो है ये मूव करना शुरू कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है रूप के अंदर भी जो है वो वेव्स बन रही है, तो ये पार्टिकल पी जो होता है ये अपनी ही पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन जो है ये मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी बदले में हमें क्या मिलते हैं, क्रस्ट मिलते हैं और ट्रफ मिलते हैं। उसके बाद ये भी बात करेंगे हम क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स जो है ये हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर वेव्स, उसके बाद वेव्स प्रोड्यूस बाय रूप, तो ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? ये हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाटर वेव्स है यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर फर्स्ट करें वाटर ना होता तो हम जितनी मर्जी इसके अंदर पेंसिल को डिप करते या इसको बाहर निकाल लेते तो ये यहाँ पर वाटर वेव्स जो थी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकती थी।
इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास रूप ना होती, डोरी ना होती, तो हम जो है यहाँ पर किसी किस्म की वेव्स जो थे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपागेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स which requires any medium to propagate called mechanical waves. इसकी मिसाल हम दे सकते हैं वाटर वेव्स फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स। उसके बाद हम ले सकते हैं waves produced by roof, the waves produced by roof। तो ये इसकी examples हो सकती हैं। इसके अलावा जो है mechanical waves की और भी बहुत सारी examples हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मिलती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ साउंड वेव्स, आप लोग साउंड म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो वो भी बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एम्पलीफायर नहीं है, वो स्पीकर नहीं लगे हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी बल्कि आपको म्यूट मिलेगा। तो यहाँ पर हम साउंड वेव्स की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। साउंड वेव्स ये भी किसकी एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव्स की है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसकी, ये अभी मैंने आपको बना के दिखाया था मैस अटैच टू द स्ट्रिंग सिस्टम, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग द वेव्स वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये ऐसी वेव्स होती हैं हमारे पास जिनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी वेव्स को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the waves which do not require any medium to propagate it is called electromagnetic waves. Waves. अब बात कर लेते हैं इसकी
एग्जांपल्स की, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ रेडियो वेव्स हमें पता है कि ट्रांसमिशन जब हो रही होती है तो वो वेव्स के जरिए हो रही होती है, और ये हवा के अंदर जो है वेव्स प्रोपागेट कर दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं, और फिर मुख्तलिफ प्लेसिस पर आपको इनके सिग्नल जो है वो वसूल होते हैं बाय यूजिंग रेडियो या मोबाइल के अंदर एफएम होता है आपका, उसके ज़रिए से आप क्या कर लेते हो इनके सिग्नल वसूल कर लेते हो। उसके बाद बात करते हैं हम टेलीविजन वेव्स की। बिल्कुल ये भी वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये बेसिकली जो है टीवी के अंदर जो वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं, ये उसकी स्क्रीन के अंदर जो है वो वेव्स इस तरह की डाली जाती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं, एक्सरेज जो है वो भी क्या है, इसी की एग्जांपल आ जाती है, वो भी क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हीट एंड लाइट वेव्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये था हमारा टॉपिक वेव्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें तो हमें याद रखिएगा।